कि थोड़ी सी मेरी हो रही है ऑफ रोडिंग। चाय के खेत पालमपुर लैंडस्केप धीरे धीरे चेंज हो रहा है और अब रोड हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय, नैरो रोड हो चुके हैं। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज इस अनप्लैंड हिमाचल सीरीज़ का आज तीसरा दिन है और फिलहाल तीसरे दिन की सुबह हो चुकी है चिड़ियों की चहचहट के साथ। और आज हम निकलने जा रहे हैं और कवर करने जा रहे हैं हिमाचल की एक ऐसी वैली को जो कि बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड हुई है। फिलहाल हम घर से निकल चुके हैं और अब राइड का आगाज भगवान का नाम लेके करते हैं। तो जय माता दी जय भोले की। व्यू देखो, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर चलाऊँ और ये इतने ख़तरनाक व्यूज़, मज़ा आ गया भाई, अभी से ही मज़ा आ गया। ये थोड़ी सी मेरी हो रही है ऑफ रोडिंग, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई ये पूरा ही रोड। अभी कई किलोमीटर तक मुझे ऐसे ही रास्ता दिखने वाला है। वाला ब्रिज जो है ये मेरे को बड़ा प्यारा लगता है यार, और इसके जो आसपास का जो नज़ारा है वो बेहद ख़ास है। हर जगह सिर्फ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं भाई, तो भाई का चैनल का नाम देख लो, ठीक है, आई लव अलवर 8, ठीक है। नाम क्या भाई आपका? उत्तम चौधरी। सामने ही मेरे धौलाधार की बेहद प्रचलित पहाड़ी शिला है, वो देखिए पूरी बर्फ़ से कवर है इस टाइम पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम इस धौलाधार रेंज के बेहद ही करीब आते जा रहे हैं। एक जगह बीच में पड़ी है चेली, नूरपुर से मैं 70 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है वो कवर कर चुका हूँ। अभी 90 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरा बचा है। ये मेरा पहला टी ब्रेक है, उसके बाद मैं आगे की राइड कंटिन्यू करूँगा। चाय का ब्रेक ख़त्म करके अब हम अपने आगे का जो सफ़रनामा है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब गूगल आंटी हमें यहाँ से लोकेशंस दिखा रही है 88 किलोमीटर्स की। ओ नज़ारे देखो यार, और वहाँ पे देखो यार, बादलों ने आगोश में ले लिया है धौलाधार की वादियों को, और लग तो ऐसे रहा है कि मौसम हो रहा है ख़राब। या तो धौलाधार पे आज रात को बर्फ़ गिरने वाली या फिर बारिश होने वाली है। हिमाचल के ठंडे इलाकों में से एक है पालमपुर, और ग्रीनरी तो यहाँ पे बेहद है, बेहद ग्रीनरी। इसी नज़ारे का दोस्तों मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मेरे लेफ्ट और राइट, मेरे बाएं और दाएं दोनों ही तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको चाय के बगान देखने को मिलेंगे, चाय की खेती यहाँ पे होती है यार। बड़ा ही प्यारा और अद्भुत नज़ारा है पालमपुर का। यहाँ पे हम शिव की नगरी बैजनाथ में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ से बैजनाथ मंदिर जो है वो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। जो बैजनाथ मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसको स्वयं रावण ने ही स्थापित किया था। फ्लैग हमें देखने को मिले, और भाई साहब बिल्कुल ही अलग फील आ रही है यार, इतने प्यारे रोड बने हुए हैं मंडी के। तो मौसम एकदम खुशनुमा बनके मेरे लिए तत्पर है, और यहाँ पे यार चलाने का बहुत ज़्यादा मज़ा है। और अभी फ़िलहाल पूरे रोड पे से मुझे 2 बाइकर दिखे हैं, और वो भी लोकल बाइक्स थी। बिल्कुल ही अलग दुनिया में हम प्रवेश करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ख़तरनाक यार, ख़तरनाक, बहुत अच्छे और ख़तरनाक रोडों में से एक है यहाँ के। ओहो अब टर्न्स पे टर्न्स आएंगे, जिस चीज़ का मुझे वेट था वही चीज़ अब हो रही है, मुझे ऐसे टर्न्स का ही वेट था। ओहो यहाँ पे बाइक लीन करने में बड़ा मज़ा आ रहा है यार। हम तो रेडी है, क्या ये पहाड़ और आप लोग रेडी हैं? जी हाँ, तो चलो चलते हैं यार। इतनी तेज़ हवा चल रही है अब तो, यहाँ पे मेरे को अपना वाइजर डाउन करना पड़ गया, बहुत तेज़ हवा चल रही है। आसनी मैं पहुंच चुका हूं, और इसी के साथ अब यहां से भरोट की दूरी मात्र 25 किलोमीटर रह गई है। भाई ठंड ज़बरदस्त, अनटच लोकेशन है, लेस क्राउडेड है, और मैं ऐसी ही किसी लोकेशन पे जाना चाहता था जहां पे मुझे क्राउड ना के बराबर मिले, तो इसलिए मैंने भरोट वैली चुनी। घटासनी से एक ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ते हुए एक रास्ता है, वो सीधा भरोट आता है, और यहाँ पे आप पुराने जैसे लोग थे, टोकरी के अंदर अपना सामान लेके जाते थे, आपको वैसे लोग दिखाई देंगे। स्टीप चढ़ाई है, रोड देख के भाई मुझे तो थोड़ा बहुत डर सा लगने लग गया। डर क्या, मतलब एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए इन रोडों पे चलाने का। इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, फील अलग है। इस टाइम मैं जो फील कर रहा हूँ वो शायद मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल ही डेंस फॉरेस्ट के बीच में से मैं निकल रहा हूँ यार, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ गिने चुने लोग, गिनी चुनी गाड़ियाँ दिख रही हैं मुझे, और नज़ारा
इतना प्यारा नागेश्वर महादेव का मंदिर दिखा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हमने बाहर से ही मत्था टेक लिया है और अपनी सकुशल पूरी ट्रिप की कामना करी है। तो बरौट पहुंचने से पहले ही बारिश ने दस्तक दे दी है और अब हल्की हल्की बूंद यहाँ पे गिरने लग गई है। तो इससे पहले कि बारिश तेज़ हो, मुझे बरौट जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और ये पहाड़ों के नज़ारे देखिए यार, वहाँ से थोड़ी सी आगे जाते यार पूरा माहौल, मौसम सब और ज़्यादा बदल गया। अब और ठंड महसूस होने लग गई। और यार ये पहाड़ देखिए यार, कितने सलेटी पहाड़ हैं। तो यहाँ से फटाफट निकलते क्योंकि क्योंकि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये ना। ओहो बच गया, अभी बाइक स्किड हो जाती लेकिन थैंक गॉड बार बार बच गए, क्योंकि यार ये बिल्कुल अनटच लोकेशनों में से एक है हिमाचल की बरौट वैली, जो अभी भी काफ़ी लोगों की रीच से बहुत ज़्यादा दूर। तो यार ये है वो ब्रिज जो मैंने आपने कई वीडियो में देखा होगा लोगों की, जिन्होंने बरौट वैली एक्सप्लोर करी है। तो ये है वो रोड। और ये देखिए यार कितना साफ़ पानी, कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है यार यहाँ का। टिक्कण गांव पहुँच चुके हैं हम फाइनली, टिक्कण गांव। अब कोई टेंशन नहीं, अगर अब बारिश भी होती है तो बरौट ना पहुँच के मैं टिक्कण गांव में भी स्टे कर सकता हूँ। ओहो कितने क्यूट क्यूट से बच्चे लड़ रहे हैं। तो एक बच्चा देख रहा था मुझे गाड़ी में से निकल के। और यार वाकई में यार बहुत शांत जगह है, बहुत शांत जगह है, बिल्कुल आपको शहर की चकाचौंध से दूर ये बरौट वैली मिलेगी। और इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। और अभी मात्र 8.1 किलोमीटर की दूरी रह गई है और अब फिर से एक बार बारिश की बौछारें बूंदे हमें स्पर्श करते हुए यहाँ पे। ओहो बड़ा प्यारा नज़ारा है यार ये वरदान। ओहो छोटे बच्चे खेल रहे हैं, हेलो बच्चों, हेलो। कितना अच्छा लगता है यार जब ये छोटे बच्चे आपको सपोर्ट करें, क्या ही कहने। यहाँ के तो नज़ारे जो हैं वो बेहद अद्भुत है। रोड छोटे, और आपने पुराने समय में देखा होगा लोगों को कि अपने मवेशियों के लिए खाना एकत्रित करते हुए, सेम उसी तर्ज पे यहाँ पे भी लोग अपने मवेशियों के लिए खाना एकत्रित कर रहे हैं। और पहाड़ी लोग तो वैसे ही होते ही बड़े मेहनती हैं, लेकिन यार दिल खुश राइड हो गई आज मेरी। ये देखिए यार बहते हुए पानी की आवाज़ से ही मन को सुकून प्रदान होता है। और यार ये देखिए इतना प्यारा नज़ारा अभी से ही हो चुका है, तो बरौट पहुँच के तो क्या क्या देखना बाकी है भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा कि आपको ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। और मुझे लगता है ऐसा है कि मेरी स्प्लेंडर ही शायद पहली स्प्लेंडर है जो बरौट वैली के अंदर एंटर हो रही है। आंटी भाई हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आई है, और अब तो भाई लगभग रोड ही नहीं है ये तो, यहाँ से 900 मीटर दिखा रहा है। सो दोस्तों फाइनली मिल गया हमें वर्मा होम स्टे। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बरौट वैली। बरौट वैली में मैं कहाँ स्टे कर रहा हूँ, तो मैं स्टे कर रहा हूँ वर्मा होम स्टे के अंदर। और एक बार मैं आपको रूम दिखाता हूँ। पहले तो ये स्टेयर्स चढ़ के मैं यहाँ से आया था, फिर यहाँ से मुड़ के ये मेरा रूम है इधर की तरफ, और ये मेरे लिए चेयर्स वगैरह है वो वहाँ पे उधर की तरफ, मेरी बाइक पार्क हो रखी है। और अब आपको रूम दिखाता हूँ, तो ये है कुछ रूम इस तरीके से। और ये मेरा सेपरेट किचन है, रूम ये है, अटैच गीजर है, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। और यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, और ये पानी के ग्लास वगैरह। और यहाँ पे डबल बेड का मुझे एक बेड मिला है, और ये ब्लैंकेट्स वगैरह है। ये खिड़की है, यहाँ पे इतनी सारी खिड़कियाँ, और ये मिरर है। देखिए जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, बहती हुई नदी, ये देखिए ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ का, बिल्कुल मेरे जस्ट सामने ही है, ज़्यादा हार्डली 50 मीटर दूर है यहाँ से। अंकल जी हमारे लिए खाना ले आए हैं, और ये रहे हमारे अंकल जी, एक बार हाय तो कर दो अंकल जी। हाय। तो भाई बड़े प्यारा नेचर अंकल जी का। और बाकी अब खाते हैं खाना, और बाकी अंकल जी से आपको मिलवाते हैं सुबह। तो अंकल जी सुबह तैयार है ना मिलने के लिए लोगों से? सुबह मिलेंगे। खाने में आ चुका है सलाद, आलू गोभी की सब्जी। ये कौन सी सब्जी है मुझे नहीं पता, एक बार देखता हूँ मैं, शायद राजमा या माँ की दाल लग रही है, जो कि हिमाचल की फेवरेट डिश है। और इस क्यूट सी टोकरी के अंदर अंकल जी मेरे लिए रोटियां लेके आए यार। पर आज बेहद रोमांच से भरा हुआ दिन मेरा रहा, क्योंकि
180 किलोमीटर के आसपास आज मैंने बाइक चलाई, वो भी पहाड़ों में। और यहाँ पे पहुँच के भाई दिल खुश हो गया, और ठंड बहुत ज़बरदस्त ठंड। इसका दिन यही समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं ऐसे ही एक और नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।